हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्ट्रेंथन विल पावर। हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइंस ऑफ विल पावर और जाना था कि हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमारी विल पावर को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। और साथ ही ये भी जाना था कि हमारे ब्रेन का एक दूसरा सेंटर लिम्बिक सिस्टम हमारी विल पावर को कमज़ोर बनाता है। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वो भी देखिए, क्योंकि अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारी विल पावर किस तरह से वर्क करती है। तभी आप अपनी विल पावर को मजबूत बनाने की एक अच्छी कोशिश कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि हम अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी की मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, या अगर आप रनिंग करते हैं तो कंटिन्यूस रनिंग की वजह से आपका रनिंग का स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है। ठीक उसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस से हम अपनी विल पावर को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, विल पावर को स्ट्रेंथन करना, इम्प्रूव करना पॉसिबल है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम भी है, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमारी विल पावर को कोई और नहीं बल्कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट लिम्बिक सिस्टम कमज़ोर बनाता है। तो ये लड़ाई है आप ही के ब्रेन के टू सेंटर्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड लिम्बिक सिस्टम के बीच में। और अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि किस तरह से हम अपने लिम्बिक सिस्टम को हराएं, जिससे हम अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकें। तो चलिए आइए जानते हैं किस तरह से हम अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन। यस, जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपने लिए कोई बड़ा इम्पॉर्टेंट गोल सेट करते हैं, तो उसके लिए हमको बहुत सारा हार्डवर्क करना होता है और हमको अभी के सुख, आज के सुख को छोड़ना पड़ता है। फ्रेंड्स, हमेशा हमारा इमोशनल माइंड यानी कि हमारा लिम्बिक सिस्टम हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए पुश करता है, या आपको उकसाता है, या आपकी विल पावर को वीक करता है। फ्रेंड्स, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, पार्टीज़ करना या सोना, हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने इन शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अपनी विल पावर को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो अपने इन ग्रेटिफिकेशंस को डिले करना पड़ेगा, यानी कि कुछ देर के लिए उनको टालना पड़ेगा, उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा। और इसीलिए कहा गया है कि सब्र का फल मीठा होता है। जब हम आज के सुख को त्यागेंगे तभी हम अपने आने वाले कल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हार्डवर्क कर रहे होते हैं, अगर आपके इमोशनल माइंड से शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ऑफर आता है तो आप उसे ठुकरा दें, आप अपने ग्रेटिफिकेशंस को डिले करिए। आप अपने आप को समझाइए कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए। ये छोटे मोटे प्लेजर से आप मानने वाले नहीं हैं, आपको बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए। तो इस तरह से जब आप अपने ग्रेटिफिकेशंस को डिले करते हैं यानी कि जब अपने आज के सुख को छोड़ते हैं, तभी आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। यस, आपको अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए परस्यू कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहते हैं तो आपको अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा गोल सेट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत भी लगती है, और ये भी पॉसिबल है कि आप हार जाएं और बार बार हारें, और हो सकता है कि लोग आपका मजाक बनाएं, आपके बारे में कुछ भी बुरा भला कहें। सो हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा गोल सेट किया है और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की परेशानियां आएंगी। और इन एडवर्स सिचुएशंस का आप तभी सामना कर सकते हैं जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और किस तरह से हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने, तो उसके लिए एक हमारा प्रीवियस वीडियो है,
आप उसे देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि हमें एडवर्स सिचुएशंस में यानी कि विपरीत परिस्थितियों में हमारे लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना क्यों ज़रूरी है। जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तभी आप उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को बोल्डली फेस कर पाएंगे, अपने फेलियर्स को फेस कर पाएंगे। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने पेन को भी बेयर कर पाएंगे, और अगर आप इमोशनली वीक निकले तो आपकी विल पावर भी ख़त्म हो जाएगी और आप उस सिचुएशन को क्विट कर देंगे, हार मान जाएंगे। सो अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाइए। चलिए आप जानते हैं अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और हमें क्या करना है। वी हैव टू थिंक पॉजिटिव आउटकम्स। यस फ्रेंड्स, आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा गोल सेट किया है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और उसकी आपने शुरुआत भी करी। आपको पता है कि आपने जो गोल सेट किया ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है और आप उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी हम ट्राई करते हैं, बहुत सारा ट्राई करने के बाद भी जब हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते, जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे फेवर में नहीं होते, तो हम खुद को डाउट करने लगते हैं और हमारी विल पावर कमज़ोर होने लगती है। सो अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आउटकम्स के बारे में सोचिए, पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और आप उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अपने आप को ये विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपकी मेहनत होगी वो रंग लाएगी, द आउटकम्स विल बी पॉजिटिव। आपके जो रिजल्ट्स होंगे, आपकी मेहनत का जो फल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो इस तरह से जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं एंड स्पेशली जब हम पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में सोचते हैं तो हमारी विल पावर स्ट्रेंथन होती है, हमको ये भरोसा होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन ज़रूर रंग लाएगी, हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको ज़रूर मिलेंगे। सो अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में सोचें कि जब हम सक्सेसफुल होंगे तो कैसा लगेगा, हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको मिलेंगे तो हमें कैसा लगेगा। तो आप उन कंडीशंस के बारे में सोचिए, उन आउटकम्स के बारे में सोचिए जो आपको सक्सेसफुल होने पर मिलने वाली हैं। तो इससे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आप अपने गोल्स के लिए हार्डवर्क भी कर पाएंगे। चलिए आप जान लेते हैं विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए एक और जो बेहद ज़रूरी काम हम सभी को करना चाहिए वो है सेव योर लाइफ एनर्जी, अपनी जीवन ऊर्जा को बचाइए एंड रीडायरेक्ट इट ऑन योर इम्पॉर्टेंट गोल्स। फ्रेंड्स, अक्सर हम सभी लोग अपने दिन भर की अगर डेली रूटीन को चेक करें तो हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो अनवांटेड हैं, अननेसेसरी हैं। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते बिकॉज वो अपनी लाइफ में और दिन भर में बहुत सारी अनवांटेड, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ करते हैं एंड दिस इज़ वाई दे फील ऑलवेज एग्जॉस्टेड, नो एनर्जी इज लेफ्ट फॉर इम्पॉर्टेंट लाइफ गोल्स। वो अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं पाते और अगर सोचते भी हैं तो उस पर वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास में लाइफ एनर्जी नहीं होती है और इसीलिए उनकी विल पावर भी बहुत कमज़ोर होती है। तो अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी लाइफ एनर्जी को, अपनी जीवन ऊर्जा को बचाइए एंड रीडायरेक्ट इट ऑन योर इम्पॉर्टेंट लाइफ गोल्स। सो फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल, देखिए कि आप दिन भर में ऐसी कौन सी अनवांटेड एक्टिविटीज़ करते हैं जो अननेसेसरी हैं, यूज़फुल नहीं हैं, बेकार हैं, जैसे कि टीवी देखना या मोबाइल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना या सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना या फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा बाहर घूमते हैं या फिर बेकार का बहुत ज़्यादा बोलते हैं। और इस तरह से आप ये पाएंगे कि आप दिन भर में बेकार के कामों में अपनी बहुत सारी लाइफ एनर्जी को स्पॉइल कर देते हैं। सो माइंड इट, अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास में एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास में टाइम होना चाहिए। सो सेव योर लाइफ एनर्जी एंड रीडायरेक्ट इट ऑन योर
इम्पॉर्टेंट गोल्स. फ्रेंड्स, अपनी लाइफ एनर्जी को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है मेडिटेशन एंड मौन. जब आप मेडिटेशन करते हैं या मौन रखते हैं तो आपका मन स्थिर होने लगता है और इससे आपका फोकस लेवल इंक्रीज होता है और आप उन चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं. सो फ्रेंड्स, इन कुछ तरीकों से हम अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको एक रेगुलर डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इन सभी एक्टिविटीज़ को एक सीरियस रूटीन में, अपनी एक लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा. इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में खुद भी यूटिलाइज करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए. आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं. टिल देन गुड बाय. थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग.